आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम में गॉजियन सरफेस के बारे में ओके तो इस इस लेक्चर में गॉजियन सरफेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और गॉजियन सरफेस से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे जो गॉस थ्योरम पर बेस्ड होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ अब गॉजियन सरफेस होता क्या है यह जानने से पहले गॉजियन सरफेस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायमेंशनल क्लोज सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर फील्ड इज टू बी कैल्क्यूलेटेड नाउ बच्चों हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसे हम गॉज थ्योरम में बहुत इजी तरीके से स्टडी करेंगे और बहुत इजी तरीके से डिराइव करेंगे और उसे उसके बारे में जानेंगे तो उसमें ही एक ऐसा पार्ट है वो है गॉज गॉसियन सरफेस तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है ताकि कोई भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सर्टेन पॉइंट पर निकालना होगा तो वहां पर हम गोजियन सरफेस अप्लाई करेंगे और वहां पर उस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कैलकुलेट करेंगे ओके okay? तो ये, ये है, का. अब दिखता कैसा है वो देख लेते हैं ये सर्फेस कुछ ऐसा दिखता है ना देखो ये गॉजियन सर्फेस है यहां पर आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा और ये स्फेरिकल दिख रहा होगा ओके okay, नाउ देखो ये स्फेरिकल तो आपको पूरा क्लोज सर्फेस ऑलरेडी दिख रहा होगा और ये भी क्लोज सर्फेस है ओके okay? बच्चों आप ये ध्यान देना कि ओपन सर्फेस नहीं होना चाहिए क्लोज होना चाहिए ऊपर से भी और नीचे से भी ये भी जो सर्फेस है ये भी क्लोज कर देते हैं तो ये क्लोज सर्फेस प्रॉपर गोजियन सर्फेस बन जाएगा कुछ इस तरीके का होगा और एक है जो यहां पर डायग्राम नहीं है आप एक क्यूब या एक क्यूबॉइड को भी कंसिडर कर सकते हो एक गॉजियन सर्फेस को में ओके ये क्यूब या क्यूबाइट क्यूबाइट को भी आप ये पूरा क्लोज सरफेस रहेगा तो इस तरह का ये होगा गॉजियन सरफेस ओके तो ये बेसिक फंडा है गॉजियन सरफेस का अब एक एक करके गॉजियन सरफेस का प्रॉपर्टीज देखते हैं कि गॉजियन सरफेस का प्रॉपर्टीज होता क्या है और ये प्रॉपर्टीज को, को अप्लाई कैसे करते हैं ओके नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इट शुड बी अ क्लोज सरफेस सो दैट अ क्लियर डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द सरफेस ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस ओके अब देखो बच्चों इसमें से कोई भी एक गॉजियन सर्फेस सपोज सिलेंड्रिकल सर्फेस हमने कंसिडर किया अगर ये हम सिलेंड्रिकल सर्फेस ले रहे हैं इट मीन्स कि ये सिलेंड्रिकल सर्फेस ऐसा क्लोज सरफेस होना चाहिए ताकि कोई जो भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो वो पॉइंट अगर इनसाइड हो ऑन द सरफेस हो या आउटसाइड हो ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए ओके इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट है सपोज इसको ले लिए पी ये ऑन द सर्फेस है इसको ले लिए क्यू और ये सरफेस है आर जो है आउटसाइड द क्लोज सर्फेस ये क्लोज हो जाएगा है क्या ओके okay? नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है गोजियन सर्फेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज आर नॉट डिफाइंड ओके okay. सबसे पहले ये गोजियन सरफेस में ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली डिस्क्रीट चार्ज होता क्या है बेसिकली चार्जेस दो टाइप का होगा बच्चों चार्जेस एक कंटिन्यूस होगा और एक डिस्क्रीट नेचर का होगा ओके ना कंटिन्यूस जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूस अगर एक स्फीयर में हम चार्ज को रख दिए तब ये क्या हो जाएगा ये स्फीयर को चार्ज अगर हम यहां पर इंजेक्ट कर दिए चार्ज तो अब क्या होगा ये चार्ज क्या करेगा ये जो स्फीयर है ये कंडक्टिंग स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ ओके ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर नहीं रहेगा ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ओके तो इसको बोलते हैं ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अब डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है डिस्क्रीट मतलब सपोज एक चार्ज है क्यू वन और ये चार्ज है q2 अब ये चार्ज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है हालांकि एक दूसरे पर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे पर रिपल्सिव uh, फोर्स लगाएगा और अगर यही चार्ज एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया तो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा बट ये इसका सिस्टम दोनों का अपना अपना अलग अलग होगा ओके okay? तो इस तरह का चार्ज को बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज ये अपने आप में ही यूनिकनेस रखेगा ये मूव नहीं करेगा ये जितना चार्ज इसको दिया गया है और इसमें जितना चार्ज है ये अपने आप में ही उतना रहेगा ओके okay? तो ये बेसिक फंडा है डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का ओके okay? नाउ इसमें अब ये चीज देखना है कि गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इट इज बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज इज नॉट डिफाइंड सपोज ये एक सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं इस सिस्टम में कुछ सर्टेन नेचर कुछ सर्टेन चार्जेस को रख देते हैं ओके okay, ये होगा q1 ये q2 ये q3 ये q4 और ये Q5, okay? Now, इस सिस्टम में इस सिस्टम को अब क्या करेंगे एक गॉजियन सर्फेस ये गॉजियन सर्फेस से कवरअप कर देते हैं नाउ अब ये गॉजियन सर्फेस क्या हो रहा है अब ये गॉजियन सर्फेस किसी डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज के थ्रू पास नहीं होना चाहिए ओके okay, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुड नॉट पास थ्रू कोई भी डिस्क्रीट नेचर ऑफ डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए ये चार्ज अपने आप में डिस्क्रीट है अब क्या होता है जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ शो करेगा इसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इज इज not defined defined not डिफाइंड इन साइड दैट चार्ज ठीक है ये चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है ये बाहर होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ शो करेगा और नेगेटिव चार्जेस है तो नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में ये अंदर की तरफ शो करेगा फॉर नेगेटिव चार्जेस ओके फॉर नेगेटिव चार्जेस ये अंदर की तरफ शो करेगा लेकिन इसके इसके ये यह यहां जो सरफेस है यहां तक शो करेगा इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है इसलिए कहा गया है कि गॉजियन सरफेस को डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं करना होगा ओके okay? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड नाउ ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पार्ट से हमको पता चलेगा कि कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है देखो द सर्फेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इट मीन्स सपोज ये सपोज ये चार्ज फॉर एग्जाम्पल मैं दे, मैं दे दे रहा हूँ आपको कि ये लीनियर चार्ज है ठीक है ये लाइन चार्ज है ये ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अब इसकी वजह से हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड uh, जो इस पॉइंट पर है वो कैलकुलेट करना है ओके okay? तो अब क्या करेंगे हम लोग इस इस जो चार्ज है ये जो लाइन चार्ज है इसको गॉसियन सरफेस से कवर अप क्लोज गॉसियन सरफेस से कवर अप करेंगे वो कैसे करेंगे देखो इसको एक हम सिलेंडर से कवरअप कर देंगे इस तरीके से और ये जो कॉजियन सरफेस होगा इस पॉइंट को पास करेगा देखो दिख रहा है ना ये पॉइंट को पास करना चाहिए ये पॉइंट को पास करने से तब इस पॉइंट पर हम निकाल पाएंगे कि ये जो जो सर जो इस पॉइंट पर ही हम निकाल पाएंगे कि इस जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ये थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर ना फोर्थ पॉइंट है द सर्फेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द सोर्स ऑफ दैट द फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस एट ईच पॉइंट विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अब यहां पर ये दो चीज ध्यान देखना हो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए और जो सिमेट्री है वो according to symmetry, तो field is normal to the surface होना चाहिए। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था अगर ये एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, देखो, ये ये जो जो हमने line charge लिया था, इस line charge में ये जो positively charge है, इसको अगर सपोज एक स्फीयर से हम कवर अप कर दें, तो अब होगा क्या देखो तो इस पॉइंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इस सरफेस पर तो ये तो नॉर्मल तो हो रहा है लेकिन अब वही सर चेंज कर दे सरफेस को अब होगा क्या कि ये जो ये जो कर्व पार्ट है इसकी वजह से ये जो कर्व पार्ट है इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देखो चेंज होते जाएगा देखो चेंज होते जाएगा ये कर्व डिस्टेंस शॉर्ट होते जा रहा है देखो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस ना शॉर्ट होते जा रहा है ये डिस्टेंस अगर शॉर्ट होते जाएगा इट मीनस ये नॉन सिमेट्रिकल है नॉन ठीक है ये नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हो जाएगा ठीक है तो ये सरफेस को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं इसमें ओके इसके लिए हमको देखो अब अगर इस पर हम इस पर अगर हम ये सिलेंड्रिकल गौजियन सरफेस बना दिए ठीक है ये सिलेंड्रिकल अगर गॉजियन सरफेस बना दिए तो अब होगा क्या देखो अब यहां से जो चार्ज है देखो यहां पर ये जो सरफेस अगर कंसिडर करें तो यहां से ये नॉर्मल है वेक्टर e और यहीं पर ये जो सरफेस है डी ए वेक्टर भी इससे नॉर्मल है दिख रहा है यहां से यहां से कहीं किसी भी पॉइंट ऑफर कंसिडर कर लो तो ये जो लैटरल सरफेस है इसका ये किस, हर पॉइंट पर ये हमेशा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से हमेशा नॉर्मल रहेगा तो यहां पर ये फोर्थ पॉइंट का कहने का मतलब यही है और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये जो आपको लास्ट पार्ट में दिख रहा है कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड तो देखो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा देखो ये लाइन अगर स्ट्रेट है तो ओके okay, तो ये था बेसिक फंडा गॉजियन सरफेस के बारे में ये गॉजियन सरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि क्लोज होता है और ये इसका डेफिनेशन हुआ और ये इसका हो गया ये और ये और हो गया इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फोर ओके जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए अब गॉस थ्योरम पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी देख लेते हैं ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर ओके okay, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है, है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ठीक है अब हमको एक पॉइंट चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और क्या करेंगे उसी डेरिवेशन में हम देखेंगे डिड्यूस करेंगे कूलम्स लॉ को गॉसियम थ्योरम के रिस्पेक्ट में कूलम्स लॉ हम लोग निकालेंगे गॉस थ्योरम यूज करके हम कूलम्स लॉ निकालेंगे ओके okay? तो ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं ओके okay? नाउ अब ये अब ये जो पार्ट फर्स्ट पार्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट मींस यहां पर हमको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड वो है वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कंसिडर करना होगा ठीक है सॉरी पॉइंट चार्ज कंसिडर करना होगा तो ये पॉइंट चार्ज कैसा होगा ये पॉइंट चार्ज सपोज कुछ इस तरीके का होगा ठीक है ये पॉइंट चार्ज सपोज ये ले लिए ठीक है पॉइंट चार्ज अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये चार्ज अब हमको सपोज इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो इस चार्ज की वजह से तो क्या करेंगे अगेन हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करेंगे गॉस थ्योरम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के लिए हम गॉसियन सरफेस यूज करेंगे तो यहां पर जो सरफेस होगा ना ही सिलेंड्रिकल होगा ना ही क्यूबॉइड होगा ओके यहां पर होगा सर्क्यूलर दैट इज स्फेरिकल नॉट सर्क्यूलर दैट इज दैट हैज टू बी स्फेरिकल स्फेरिकल होना चाहिए ठीक है ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा है आपको ये मैं ठीक तरीके से इस तरह से बना देता हूं ओके okay? अब ये स्फेरिकल ही क्यों है क्योंकि देखो यहां से हमेशा डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है डाइवर्जिंग तो अगर ये सिमेट्रिकल है इट मीन सेंटर किसी भी पॉइंट से यहां पर ये डाइवर्जिंग है तो हमेशा ये सरफेस से नॉर्मल निकलेगा हमेशा इस सरफेस से ये नॉर्मल नॉर्मल निकलेगा ये सरफेस से ओके जो भी आप सरफेस कंसीडर कर लो तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल निकलेगा ओके अब ये गॉसियन सरफेस कुछ दिखता कैसा है होता कैसा ये देख लेते हैं ये गॉजियन सरफेस कुछ इस तरीका का होगा और इसके बीच में एक वही जो चार्ज है वो हम रख देंगे और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पर उस पॉइंट से उस पॉइंट से ये गॉजियन सरफेस पास होगा दिख रहा आपको ये गॉजियन सरफेस पास होगा ओके अब सरफेस पर क्या करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर कर लेंगे इस तरीके का ये एलिमेंट है डी ये डिस्टेंस है आर, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है ई e वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये जो जो एरिया है एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, वो है डीए वेक्टर ओके अब किसी भी किसी भी पॉइंट पर देखो अगर ये शॉर्ट इस तरीके का भी हम अगर एलिमेंट uh, कंसीडर कर लिए इस तरीके का भी एलिमेंट कंसीडर कर लिए तो क्या होगा यहां से ये आर डिस्टेंस पर है तो यहां से इसका ई e वेक्टर भी इसी डायरेक्शन पे होगा और डीए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा ठीक है एक ही डायरेक्शन पे मैं बना देता हूं ठीक से ये ई e वेक्टर और इसी डायरेक्शन में डीए वेक्टर ओके okay? किसी भी पॉइंट पर आप कहीं भी बना सकते हो ओके okay? तो अब यहां पर फ्लक्स कितना जेनरेट होगा इतना स्मॉल एलिमेंट की वजह से ओके okay? यहां पर भी डीए है इसको भी ले ले लेते हैं ओके okay? तो अब क्या होगा ना अब देखो अब इसकी वजह से जो फ्लक्स जेनरेट होगा वो होगा डी ओके ओके ना थ्योरम के अकॉर्डिंग डी e होता क्या है डी e होता है ई e वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर नॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ई डी ए कॉस थीटा ओके नाउ अब एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वेयर थीटा इज जीरो डिग्री तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वन तो ये आंसर क्या मिलेगा ई इंटू डी ए तो यहां पर डी फाइव -e कितना मिला ई डी ए ये हो गया इक्वेशन वन ओके अब इस इक्वे अब ये तो स्मॉल सरफेस के लिए निकल गया ठीक है देखो ये स्मॉल सरफेस के लिए निकल गया अब ये स्मॉल सरफेस सरफेस तो निकल गया, अब हमको अगर पूरा पे पर, पर निकालना होगा तो क्या करेंगे इस जो एरिया है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस, क्लोज इंटीग्रल से ओके okay? तो ना फॉर टोटल सरफेस एरिया ओके फ्लक्स विल बी अब देखो जो कि यह क्लोज इंटीग्रल है तो क्लोज uh, सरफेस है तो इसीलिए हम यहां पर क्लोज इंटीग्रल यूज करेंगे डी फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए ओके ना तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फाई ई e, ओके okay, और ये ई e बाहर निकल जाएगा और ये क्या बचेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए जो हो जाएगा ई e okay, अब एके e होने का पीछे अब ई e ए तो हो गया ओके okay, ना अब ये एरिया क्या है ये एरिया है ए इज एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज टोटल सरफ़ेस एरिया ऑफ स्फीयर है तो टोटल सरफ़ेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है इज इक्वल टू इन into four pi R square यही होता है ओके और phi according to Gauss theorem according to Gauss theorem phi E क्या होता है phi e is equals to Q by epsilon naught तो हम यहां पर क्या कर देंगे q by epsilon naught ले लेंगे और ये मेरा इक्वल हो जाएगा इससे अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा फोर पाई नॉट ये पाई और एप्सल नॉट नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ये ये है ये है डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखा मिल गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अब सपोज एक चीज यहां पर कंसिडर करना है बच्चों ये क्यों करना है मैं बता देता हूं देखो हमको हम लोगों को डिड्यूस करना है गॉस गॉस थ्योरम थ्योरम से से तो से हमें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अब अगर सपोज इस पॉइंट पर यहां पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पर अगर एक स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर हम रख पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो अब क्या होगा ये जो इससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा ये ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है इट मींस इसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके तो यह फोर्स कितना होगा ये फोर्स होगा एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट ये इतना फोर्स ये जनरेट करेगा इसको इक्वेशन हम टू ले लेते हैं सॉरी थ्री ले, ले लेते हैं और इसको टू ले, ले लेते हैं ठीक है ऑलरेडी वन हम ले चुके हैं अब ये एफ हमको क्योंकि कुलम फोर्स निकालना है ये कुलम फोर्स निकालना है तो कुलम फोर्स के लिए यही फोर्स है एफ तो यहां पर जो ई e का वैल्यू है अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है तो एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ्सिल नॉट एप्सिल नॉट इन टू अब ये चार्ज जो सोर्स चार्ज है इन टू जहां पर ये इस पर भी फोर्स लग रहा है तो ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय स्क्वायर मिल गया कुलम्स लॉ यही है कोलम्बियन फोर्स तो इस तरीके से आप डेरिवेशंस करोगे इस 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 तरीके से आप डेरिवेशंस कर लेना क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए डिडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं ना नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इट मींस कि अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपको दिया गया है ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर दिया गया है और सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके वजह से किसी भी पॉइंट जिस पॉइंट पर भी हमको निकालना होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ इस तरीके का होगा ओके जो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ओके और सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज अप है ठीक है ना ये पॉजिटिवली चार्ज है ओके अब सपोज हमको ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, अगेन करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे एक गॉसियन सरफेस जो सिमेट्रिकल इस, हो देखो यहां पर पी पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं ठीक है ठीक है ये पी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग तो इस पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है ओके okay? तो हालांकि ये क्लोज सरफेस है ये क्या, क्या कैसा सरफेस है ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है ठीक है अब ये जो गॉजियन सरफेस है इसका लेंथ कितना है एल है ओके okay? और जो चार्ज इसके अंदर जो इंक्लूज चार्ज है इनक्लूज चार्ज है वो क्यू ले लेते हैं ठीक है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा लैमडा इज इक्वल्स टू चार्ज पर लेंथ ये हो जाएगा मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर लेंथ इसका हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी ओके ये इनक्लोज चार्ज जो इसमें है इसके वजह से ओके okay? अब हम चलते हैं तो अब देखो इस तरह का आपको ये सरफेस कुछ इस तरह का मिल गया अब इसको हम प्रोपरली ड्रॉ प्रॉपरली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ये इस तरह का सरफेस हो जाएगा ओके ना इस तरीके के सरफेस में अगेन ये ये सपोज पॉजिटिवली अप है है ठीक और इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका लैमडा कितना हो जाएगा इनक्लोज अपॉन एल क्योंकि ये एल लेंथ का चार्ज है ये एल लेंथ का गॉसियन सरफेस है ओके और ये पॉजिटिवली चार्ज है अब अब क्या करेंगे अब होगा क्या चलो अब हम लोग यहां पर एक एक करके जो जो भी सर्फेस है। अब यहां पर बेसिकली दो टाइप का सर्फेस है ये है लैटरल सर्फेस ये है टॉप सर्फेस और ये है बॉटम बॉटम सर्फेस ठीक है तो अब हम लोग ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो क्लोज सर्फेस है ना ये तो पूरा क्लोज सर्फेस है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी बाहर से निकल सकता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालने इसके लिए निकालने के लिए हम लोग को टॉप सर्फेस और ये बॉटम सर्फेस दोनों कंसिडर करना होगा ओके okay? तो सबसे पहले लैटरल सर्फेस पर देख लेते हैं यहां पर क्या करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर कट कर देते हैं ठीक है ये स्मॉल एलिमेंट अगर कट कर देंगे तो ये पी जो पी पॉइंट है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा क्योंकि जो, जो भी प्लेट है जो लाइन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सीधा निकलता है इस तरीके का ठीक है तो ये इस तरफ डायरेक्शन में होगा और इसके वजह यहां पर जो डी ए वेक्टर होगा वो डी ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा ये तो हो गया ये लैटरल सरफेस है तो यहां पर जो फ्लक्स जो जनरेट होगा यहां पर अच्छा ये देख लेते हैं पहले हम लोग टॉप सर्फेस पर देख लेते हैं टॉप सर्फेस पर भी क्या होगा यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर कर लिए अब स्मॉल एलिमेंट से यहां पर जो डीए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ठीक है और यहां पर बॉटम में भी उसी तरह से एक सरफेस स्मॉल डीए वैक्टर तो ये डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर भी ई e वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा अगर आप ध्यान दोगे टॉप और बॉटम में तो टॉप और बॉटम में क्या हो रहा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री एंड वी नो दैट की फाइव ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर गॉस थ्योरम ओके okay, तो E डॉट डी ए क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो तो यहां पर जो फ्लक्स जो होगा जो सॉरी डी स्मॉल एरिया के लिए डी फाइव होगा ठीक है तो जो फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा टॉप और बॉटम टॉप एंड बॉटम में ठीक है तो ये तो हो गया ये तो हमको मिल गया अब हम क्या करेंगे अब हम लैटरल सरफेस के लिए निकालेंगे अब लैटरल सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे फॉर लैटरल सरफेस एरिया ओके फॉर लैटरल सरफेस एट पी चलो पी पे निकाल लेते हैं और क्या करेंगे उसके बाद फिर मैं बताता हूं चलो पी पे निकालते हैं तो पी पर डी फाइ डी फाइ कितना हो जाएगा डी फाई e हमको मिलेगा e वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओके e वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो अब ये क्या हो जाएगा अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा यहां पर जीरो डिग्री है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज जीरो डिग्री तो कॉस जीरो इक्वल्स टू वन ठीक है तो अब यहां पर हमको क्या मिलेगा ए मिल जाएगा जो वो होगा फाई ये मिल गया ई डी ओके नाउ फॉर टोटल नाउ फॉर टोटल सरफेस फ्लक्स विल बी तो टोटल के लिए क्या करेंगे अब ये जो कि ये क्लोज सरफेस है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई से ठीक है तो अब क्या करेंगे यहां पर आ, ये कर देते हैं क्लोज से तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ई ये है डी फाइव एक्चुअली ठीक है ध्यान देना ये डी फाइव इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए अगेन ये बाहर चला जाएगा तो ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई डी ए ये मिल गया और यहां जो इंटीग्रेशन है ये बनेगा फाई ई e. ठीक है सॉरी ये इंटीग्रेट होकर के ये बन जाएगा ठीक है ये इंटीग्रेट होकर के है तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है ए टू पाई आर इंटू एल ये टू पाई आर एल कैसे है टू पाई आर है सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल हाइट अगर कर देंगे तो ये कर्ड सर्फेस एरिया का हमको पूरा मिल जाएगा ओके okay? चलो तो ये क्या हो जाएगा तो फाइज इक्वल्स टू ई इन टू टू पाई आर एल ओके ना फाई का जगह हम गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम तो यहां पर क्यू बाई एप्सुलॉट हम लिख सकते हैं यूजिंग गॉस्थेरम फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सोल नॉट क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में लिख लेना तो यहां पर हमको ई जो मिलेगा वो ई क्या होगा ये हो जाएगा अपॉन अपॉन टू पाई एप्सल नॉट ये टू पाई एप्सल नॉट ये हो जाएगा इन टू आर बी है इन टू ये क्यू बाई एल अब देखो यहां पर ध्यान से देखना ये क्यू बाई एल चार्ज पर लेंथ है यहां पर टॉप पे आओ देखो यहां पर चार्ज पर लेंथ क्या है लैमडा यहां पर जो चार्ज इनक्लोज हुआ है इतना पोजिशन पर ये इतना में जो चार्ज इनक्लोज हुआ है ये क्यू है और ये लेंथ है एल तो चार्ज पर लेंथ तो ये क्या हो जाएगा लैमडा हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा फाइनल ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई एप्सल नॉट इंटू आर और ये हो जाएगा इन लैमडा ये हो जाएगा इंटू लैमडा ओके तो ये लैमडा हम इक्वेशन को इस तरह से एंड अप करेंगे ई इज इक्वल्स टू लैमडा अपॉन टू पाई एप्सल नॉट इंटू आर ये पूरा कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज का कभी भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपको देगा क्वेश्चन में दिया जाएगा तो डेरिवेशन तो आप इसी तरीके से करोगे और अगर न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके अगर ई निकालने दिया जाएगा तो यह दिया रहेगा ये दिया रहेगा रहे आप निकाल लोगे और अगर ई दिया है आर दिया है तो आपको लैमडा निकालने आएगा ओके okay? तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं हम okay? ओके तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है कुछ इस तरीके से हैं ओके okay? तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ इस पर बेस्ड ग्राफ भी है वो ग्राफ देख लेते हैं क्या है ओके okay? उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ग्राफ क्या है वो ग्राफ ई वर्सेस आर है ये ग्राफ वर्सेस आर ग्राफ है अब ई वर्सेस आर ग्राफ है इट मींस कुछ तो है इसमें अब देख लेते हैं इसमें क्या है नाउ अब देखो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ई e का इक्वेशन आया था वन अपॉन टू पाई एप्सुलट इन टू आर और ये था लैमडा ठीक है था लैमडा अब देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो लैमडा टू पाई और नॉट ये कॉन्स्टेंट टर्म है ओके okay? तो ये कांस्टेंट टर्म अगर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाएगा होगा अब अगर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है अब यहां पर एक चीज और देखने का है ई आर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो आर जीरो नहीं हो सकता अगर आर जीरो हो गया तो ई e क्या हो जाएगा देखो e के अगर r को हम जीरो कर दिए तो e क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो इज एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो ये वैल्यू होगा कैसे ओके okay? तो इसलिए आर कैन नॉट बी जीरो यहां पर ये चीज ध्यान रखना और ये ई वर्सेस आर का जो ग्राफ है ये अगर इस रिलेशन पर है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों ये इस तरीके से आपको बनाना होगा ये कंटिन्यूस जाते रहेगा ये ई e का है ये आर का और ये भी कंटिन्यूस तरह से मूव करेगा इस तरीके से ओके तो ये ग्राफ है अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो भी देख लेते हैं नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आईएससी 2017 का है ओके नाउ आईएससी 2017 सी टू में जो न्यूमेरिकल आया था वो है क्या Intensity of electric field at a perpendicular distance of 0.5 meter from an infinite line charge having linear charge density lambda is 3.6 into 10 to the power 3 volt per meter. Okay, and then find the value of. डा उसके बाद यहां पर लैमडा डायरेक्टली फाइंड करने दिया गया है ओके okay? तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे ये देखते हैं ना अब आपको क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो अब सबसे पहले हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना लेते हैं ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ ऐसा दिखेगा ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा और ये यहां पर हमने अभी देखा था कि यहां पर एक गॉजियन सरफेस कंसिडर किए थे जिस पॉइंट पर हमको निकालना है तो यहां से कितना पॉइंट पर निकालना है जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ना यहां पर दिया गया है लैमडा निकालने ओके okay? तो लैमडा क्या होता है चार्ज पर लेंथ ये होता है लैमडा ओके और सबसे पहले हम लोग गिवेन डेटा लिख लेते हैं गिवेन डेटा होगा वो वो जो दिया गया है वो ई का वैल्यू देखो देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद यहां पर यह, गया है। यह थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको ई इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर टेन टू दावर थ्री मैं तो ऐसे लिख सकता हूं वोल्ट पर मीटर, आर दे दिया गया है मीटर ओके, अब हम कर लेते हैं, e r, ओके? तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं ई e का वैल्यू हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री इक्वल्स टू अब ये देखो वन अपॉन टू पाई एप्सलिन नॉट है ठीक है ये वन अपॉन टू पाई एप्सिल नॉट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा देखो बच्चों क्या होता है जो वैल्यूज हम ले, हम लोगों को पता होता है वो वैल्यूज वो वैल्यूज को ध्या, उसको ध्यान से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं ओके तो ये लैमडा बाई आर है ठीक है वन अपॉन जो फोर पाई एफ नॉट का वैल्यू होता है नाइन इंटू टें अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो ये ज्यादा बेहतर रहेगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा अपॉन पाई नॉट का वैल्यू हो जाएगा नाइन एटीन इंटू टेंट दोपार नाइन ओके ये वैल्यू हो जाएगा इसका तो अब इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टें थ्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा एन इंटू टेंट दाइन इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय एटीन इंटू टें पार नाइन इक्वल्स टू लैमडा ओके तो अब क्या हो जाएगा ये पावर और ये पावर सिक्स टाइम्स में जाएगा ठीक है ये ये चला गया तो ये एक जीरो आएगा यहाँ पर ओके और ये भी चला गया तो यहाँ पर और एक जीरो और एक टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना एट्टीन टू टाइम्स में जाएगा तो फाइव टू ज टेन हो जाएगा ओके तो यहां पर टेन हो गया डिवाइडेड बाई यहां पर एक वन एट्टी है यहां पर भी टेन है तो ये सिक्स है और टू एट हो जाएगा टेन टू और ये टेन टू पावर वन है इक्वल्स टू लैम्डा तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा टेन टू पावर माइनस सेवन कुलम पर मीटर ये होगा फाइनल आंसर आपका ओके okay, ओके ये है. Okay, तो ये ये है तो कुछ इस तरीके से ये आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट करनी होंगे okay, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये 2006 आईएससी में आया है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहां पर बोला गया है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ दिस मच तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक uh, फील्ड दिया गया है ई लिख लेते हैं नाइन इंटू टें फोर न्यूटन पर कुलम एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर तो यहां पर आर कितना दिया गया है टू सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू अपॉन हंड्रेड मीटर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी अगेन यहां पर लैमडा ही निकालने दिया गया है हम लोगों को ओके okay, तो इसको फिर सेम उसी तरीके से इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल देंगे ओके okay, तो ये आंसर फिर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला सब्सिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला क्या होगा पाई नॉट आर कर लेते हैं इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोगों ने लास्ट में निकाल दिया था वन अपॉन टू बाई एफ्सुलट का वैल्यू था एटीन इंटू टेंट नाइन ठीक है ये कैसे आया टू इंटू टेंट नाइन से ओके okay? तो ये वैल्यू डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर देते हैं ई e का वैल्यू दिया गया है और R का दिया गया, निकल दिया गया। तो ई e का वैल्यू सब्सिटी बाय आर का वैल्यू है टू अपॉन हंड्रेड ओके तो ये टू ऊपर चला जाएगा और ये हंड्रेड ऊपर चला जाएगा इसको इसको यहां पर ले लो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ओके okay? और उसके बाद ये पार्ट पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा ओके तब ये क्या बन जाएगा इक्वल्स टू, अब देखो ये हंड्रेड ऊपर जा रहा है तो ये नाइन प्लस टू इलेवन तो डिवाइडेड बाई एटीन इंटू टेन टू दिलवन ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा ओके

गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वो देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ओके okay, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू